वेलकम टू माय चैनल 2020 मॉम स्टोरी विद नेहा। और मैं हूँ नेहा, एक माँ सब कुछ कर सकती है। सो आज मैं आप लोगों के साथ दूसरे प्रोडक्ट की तरह और एक प्रोडक्ट की ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूंगी, वो है लोटस का ये एप्रिकॉट स्क्रब। हमारे स्किन केयर में जैसे CTM यानी कि क्लींजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग जैसे इम्पोर्टेंट है, उसी तरह से स्क्रब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। तो इसीलिए आज मैं आप लोगों के साथ इस प्रोडक्ट की रिव्यू शेयर करूंगी। वैसे तो आपको YouTube पे इस प्रोडक्ट की बहुत सारे रिव्यूज देखने को मिल जाएगी, लेकिन फिर भी मैं इस प्रोडक्ट की रिव्यू शेयर करूंगी क्योंकि ये प्रोडक्ट मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ। जब ये लोटस लॉन्च हुआ था तब से मैं लोटस के प्रोडक्ट को यूज़ कर रही हूँ। और इनका मैंने फेस वॉश, टोनर, इनका क्ले मास्क, इनका व्हाइटनिंग क्रीम, इनका मॉइस्चराइजर, इनका सनस्क्रीन जो कि मैं अभी भी यूज़ करती हूँ, और सभी प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद मैं इस प्रोडक्ट को मैंने आज पिक किया है कि आज मैं इस प्रोडक्ट का आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करूँ। है लोटस हर्बल का एप्रिकॉट स्क्रब। और एप्रिकॉट, वॉलनट जैसे इंग्रेडिएंट्स आपके स्किन को डीपली क्लीन करने में बहुत हद तक मदद करता है। तो ये जो स्क्रब है इंग्रेडिएंट वाइज बहुत ही बेस्ट है। फनी बात ये है, ये जो प्रोडक्ट है आप देख सकते हो यहाँ पे 2018 लिखा है, तो 2018 का मेरा ये परचेज था। और जाके आप 2020 में मैं इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ क्योंकि उससे पहले मेरा चैनल नहीं था कि मैं आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर कर सकती थी, लेकिन अभी है तो मैं कर रही हूँ। ये स्क्रब ऑल स्किन टाइप के लिए है और इसकी जो क्वांटिटी है वो है 100 ग्राम और इसकी प्राइस है 145 रुपीज़। लेकिन इसका छोटा ट्यूब भी आता है अगर आप फर्स्ट टाइम परचेस कर रहे हैं। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो छोटा वाला लेके इसे आप ट्राई कर सकते हैं। इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत ही अच्छा है, माइल्ड फ्रेग्रेंस है, हर किसी को पसंद आएगा। और ये जो प्रोडक्ट है आप देख सकते हो इसको ओपन करने के बाद ये एकदम ही थिक है, मेरे उंगली से नहीं गिर रहा है, एकदम थिक कंसिस्टेंसी है इसका। बहुत ज़्यादा अमाउंट का इसमें नहीं लगता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा लेके अपने पूरे फेस पे इससे स्क्रब करके आप लोगों को दिखाऊंगी। तो अभी जैसे आप देख सकते हो जब मैं इसे फेस पे लगा रही हूँ, ये ड्राई होने के कारण अच्छे से फेस पे ग्लाइड नहीं हो रहा है। तो इस टाइम पे आपको थोड़ा थोड़ा पानी लेकर इसे अच्छे से फेस पे ग्लाइड करना है और मसाज करते हुए सब स्क्रब करना है, तभी जाके ये अच्छे से आपके फेस पे इवनली स्प्रेड होगा। इसको मैं धीरे धीरे अपने फेस पे मसाज कर रही हूँ क्योंकि आप देख सकते हो इसके जो ग्रैनुल्स है वो थोड़ा सा दानेदार है, मोटे से दानेदार है, आप देख सकते। लोटस हर्बल के जितने भी प्रोडक्ट होता है वो बहुत ही अच्छा होता है और ये पैराबेन फ्री है। तो जो चीज़ें मुझे इसके बारे में अच्छी लगी है, बहुत अच्छे से डीपली क्लीन करता है आपके फेस को, आपके डेड सेल को रिमूव करता है और आपके व्हाइट हेड्स को रिमूव करता है, और ये इंस्टेंट आपको रिजल्ट देता है। यहाँ पे लिखा है कि 1 मिनट टू फ्रेश न्यू स्किन, मतलब आपको 1 मिनट के अंदर ही रिजल्ट दिखने को मिल जाएगा। आप जब इसे यूज करेंगे तो आपका स्किन एकदम भी ड्राई नहीं लगेगा, बहुत अच्छे से क्लीन भी होगा, लेकिन आपके स्किन में एक मॉइस्चर रहेगा। तो इसे अगर आप नॉर्मल स्किन वाले हो या फिर ड्राई स्किन वाले आप इसे यूज़ कर सकते हैं, अगर आप ऑयली स्किन वाले भी हैं तो भी इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके बारे में जो चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगी है वो है ये आपकी स्किन में बहुत हार्श होगा क्योंकि ये इसका जो पार्टिकल्स दिया हुआ है बहुत ज़्यादा मतलब दानेदार है, और ये दानेदार होने के कारण अगर आपके फेस पे पिंपल है या फिर आपके स्किन में कहीं पे भी कोई भी कट है या फिर कुछ भी है, तो उस टाइम पे अगर आप इसके साथ स्क्रब करेंगे तो आपका जो इंजरी है या फिर पिंपल है वो बढ़ सकता है। अगर आपके फेस पे पिंपल है, एक्ने है, तो मैं ये प्रोडक्ट को सजेस्ट नहीं करूँगी। लेकिन अगर आपके फेस में 1-2 बम्स निकलते हैं वो भी फ्रिक्वेंटली, तो आप इसे वीकली 1 बार यूज़ कर सकते हैं। लेकिन डेली यूज़ के लिए या फिर वीक में 2-3 बार यूज़ करने के लिए मैं ये प्रोडक्ट सजेस्ट नहीं करूँगी जिनके फेस में पिंपल है। लेकिन जिनके फेस अगर नॉर्मल है, अगर आपके फेस ड्राई है और ऑयली है लेकिन पिंपल नहीं है, तो आप इसे ले सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा आपको और बहुत ही फ्रेश लुक देगा और आपका स्किन बहुत अच्छे से डीपली क्लीन होगा। तो मेरा ये शॉर्ट ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों को कैसा लगा है? अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को अभी एक लाइक कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल के दूसरे रिव्यू वीडियोस भी आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैंने बहुत ऑनेस्टी के साथ रिव्यू किया है। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं थोड़े बहुत प्रोडक्ट की रिव्यूज़ करती रहती हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साइड के बेल बटन को हिट कर दे, इससे आप मेरी कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं करेंगे। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।